इंट्रोडक्शन अनूप कुमार पांडे SBM सीनीडी क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स टॉपिक 1 राइज ऑफ अ स्मॉल किंगडम्स इन द नॉर्दर्न इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज मार्क्ड बाई कन्फ्यूजन एंड डिजॉर्डर आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन इन AD 648। यानी हिंदी में भी आप सभी भैया बहनों को समझा रहे हैं बीच बीच में कि 648 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में बड़ा ही उलझन और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इन द एब्सेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इम्पीरियल पावर इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ ए स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स। दीज किंगडम्स वेयर गवर्न बाई राजपूत रूलर्स। इसका मीनिंग होता है कि किसी भी मजबूत सम्राट के न होने के कारण भारत अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। ये राज्य राजपूत शासकों के नियंत्रण में रहे। नेक्स्ट, द राजपूत्स वेयर नोन फॉर देयर ब्रेवरी ऑनेस्टी एंड कॉरेज। द राजपूत किंगडम्स कंस्टेंटली फॉट विथ वन अनदर देयर फॉर दे फेल टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। इसका मतलब होगा कि राजपूत अपनी वीरता और ईमानदारी तथा साहस के लिए जाने जाते थे। तत्कालीन राजपूत शासक लगातार आपस में लड़ते झगड़ते रहे। यही कारण था कि वे विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा नहीं कर सके, अक्षम हो गए। टॉपिक 2 मेन इवेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बतलाते जा रहा हूँ। द ट्री पार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज। द पाल्स, द प्रतिहार्स एंड द राष्ट्रकूट्स मेड कन्नौज द टेस्ट ऑफ दियर पोलिटिकल पावर। द स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज केम टू बी द नोन एज द ट्री पार्टी स्ट्रगल। दैट इज थ्री साइडेड स्ट्रगल। इट लास्टेड फॉर मोर देन ए सेंचुरी फ्रॉम अबाउट AD 780 टू AD 910। इसका मतलब हुआ कि जो तीन राजवंशों के शासक थे उनका नाम था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये तीनों राजवंशों के शासक कन्नौज पर अपनी राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तीनों राजवंशों के बीच युद्ध हुआ और उसी युद्ध को ट्री पार्टी यानी त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध जो है एक शताब्दी से भी अधिक समय तक चला, यानी कि 780 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक चला। उस समय यही कहा जाता था कि ये तीनों राजवंश चाहते थे कि कन्नौज की भूमि पर जिसका भी अधिकार होगा, गंगा घाटी का क्षेत्र था, वही शासक सबसे शक्तिशाली होगा, उस क्षेत्र का अधिपति माना जाएगा। अब मैं बतला रहा हूँ कि इस त्रिपक्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, इफेक्ट्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट। इस युद्ध का प्रभाव, द थ्री किंगडम्स वीकेंड एज रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस फाइट अगेंस्ट वन अनदर। लेटर द राष्ट्रकूट्स वेयर सबडेड बाय द चालुक्य। द पाल्स वेयर नोन आउट ऑफ पावर बाय द सेन्स। द प्रतिहार्स एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इंटू ए नंबर ऑफ ए स्मॉल किंगडम्स। कहा जाता है कि लगातार एक दूसरे से युद्ध में लगे रहने के कारण इन तीनों राज्यों की शक्ति छीण हो गई। बाद में चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य का अंत कर दिया और पाल राजवंश को बंगाल के सेन शासकों द्वारा परास्त कर दिया गया और प्रतिहारों का साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया।
अब इसके बाद हम इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप भैया सभी किताब में भी पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक दिया हुआ है। फोर्थ नंबर पर टॉपिक है राष्ट्रकूट्स। राष्ट्रकूट्स के बारे में बता रहे हैं कि द राष्ट्रकूट्स इन द दक्कन वेयर द फ्यूडिटरी चीफ्स ऑफ द चालुक्य ऑफ कर्नाटका इन 753 दंती दुर्ग डिफीटेड द चालुक्याज एंड फाउंडेड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। कहा जाता है कि दक्कन के राष्ट्रकूट शासक कर्नाटक के चालुक्यों की तरह से सामंत थे और 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की और उसने स्वयं को दक्कन का मालिक घोषित कर दिया, अधिपति। इसके बारे में थोड़ा सा दंती दुर्ग की मृत्यु के बाद कृष्ण प्रथम उत्तराधिकारी बना, आप पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है। और राष्ट्रकूट शासकों का धर्म क्या था, रिलीजन। राष्ट्रकूट शासक जो थे वो शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और जैन धर्म के संरक्षक थे और वे अन्य धर्मों का भी सम्मान रूप से आदर करते थे। हालांकि उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को भारत में मस्जिद बनवाने और भारत में बसने की अनुमति दी। नेक्स्ट, फाइव नंबर में पाल्स ऑफ बंगाल एंड बिहार, इसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी। द पाल्स किंगडम्स केम इन टू बींग इन अबाउट 750। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई गोपाल, ही वॉज सक्सेडेड बाई धर्मपाल 780 to 815। इसके बारे में है कि लगभग 750 ईस्वी में पाल राजवंश का शासन स्थापित हुआ और इस राजवंश की स्थापना गोपाल द्वारा की गई और गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल था और उसका कुछ समय के लिए कौनौज शहर पर भी कब्जा रहा था। हालांकि धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र देवपाल बना जिसने असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। और ये जो थे इनका भी धर्म, कला और साहित्य के प्रति काफ़ी रुचि थी, तो इसलिए कहा जाता है कि पाल शासक धर्म, कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। और एक लास्ट में बताते हैं इसी में, गुर्जर प्रतिहारा। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि किंग नाग भट्ट सेट अप द गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी बाय डिफीटिंग द अरब्स इन 738। किंग भोज 836 885 वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बिहार इन द ईस्ट टू काठियावाड़ इन द वेस्ट। इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का पहला प्रसिद्ध शासक नाग भट्ट था जिसने 738 ईस्वी में अरबों को हराकर इस राजवंश की स्थापना की और राजा भोज बहुत प्रचलित थे, इस वंश का महानतम शासक था जिसका शासन जो है पूरब में बिहार से लेकर पश्चिम में काठियावाड़ तक फैला हुआ था और उसकी राजधानी कन्नौज थी। और उसके बाद उनके पुत्र महेंद्रपाल ने प्रतिहार साम्राज्य में उत्तरी बिहार के क्षेत्रों को भी शामिल किया। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे कि ये भी जो थे पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, कहा जाता है कि कला और विद्या के ये भी संरक्षक थे। ऐसे तो एंशियंट टाइम और मेडिएवल टाइम में जो भी राजा थे वो कला के, विद्या के बड़े संरक्षक माने जाते थे। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक भी कला और विद्या के महान संरक्षक थे। राजा भोज विद्वान स्वयं था, दयालु था, न्यायप्रिय राजा था। उसकी बुद्धिमानी और अच्छाइयों के बारे में हम आज भी अनेक कथाएं उनके बारे में सुनते हैं। राजा भोज के बारे में कहा जाता है कि प्रतिहार शासकों ने कन्नौज में सुंदर महल और मंदिर भी बनवाए। उन्होंने बगदाद, जो अभी वर्तमान में इराक है,
में भी अपना दूत भेजे थे और इस संपर्क से भारतीय दर्शन विज्ञान ज्योतिष गणित का पश्चिमी एशिया में काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। एक है कि नीचे में प्रशस्ति, अंग्रेजी में भी प्रशस्ति कहा जाता है, हिंदी में भी प्रशस्ति कहा जाता है, वो ब्लॉक में दिया हुआ है, आप डिटेल में पढ़ेंगे। प्रशस्ति का मतलब होता है कि प्रशस्ति एक ऐसा लेख है जो किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है। एक विद्वान ब्राह्मण द्वारा लिखी गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार शासक नागभट्ट की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि उसने कन्नौज, बंगाल, गुजरात, मालवा और उत्तर भारत के अनेक अन्य राजाओं को युद्ध में परास्त किया था। तो आज हम भैया बनो को इतनी जानकारी देते हैं और इसी वीडियो के पार्ट टू में हम पृथ्वीराज चौहान, जो चाहमान अथवा चौहान से संबंध रखते थे, वहाँ से शुरू करेंगे और उनके बारे में बताएंगे पार्ट टू में।